بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 यूजिंग लॉगरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम की मदद से। वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने किससे सॉल्व करना है? लॉगरिथम की मदद से। तो जो भी लॉगरिथम का क्वेश्चन हो उसको हम पहले लेट करते हैं एक्स के बराबर। कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम एक्स के बराबर लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 86.045। अब ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं और दोनों पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो लॉग दोनों पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और अगर दो चीजें डिवाइड में है तो लॉग दोनों पे अप्लाई होगा लेकिन दरमियान में माइनस आ जाएगा। और अगर लॉग के आगे वाली वैल्यू के ऊपर पावर है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, एक्स लॉग से पहले आ जाएगा। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये पहली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब इसका हमने निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, शॉर्ट फॉर्म में सी प्लस एम लिख सकते हैं। इसका भी हमने क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखिए 86 का पॉइंट कहां पर है, जिसका पॉइंट ना दिया हो उसका पॉइंट लास्ट में होता है। इसका पॉइंट होना चाहिए था पहले नंबर के बाद। अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद हो तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होना चाहिए जीरो, वो जीरो होगा। लेकिन इसका पॉइंट एक डिजिट से भी आगे है, एक डिजिट से आगे है, इसलिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वन हो जाएगा। अगर पॉइंट एक के बाद होता तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता, मतलब पहले नंबर के बाद हो, लेकिन अपनी जगह से एक डिजिट आगे है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, वन हो जाएगा। अब इसका हम आपको एक लॉग बुक दी जाएगी, उन लॉग बुक में आप वैल्यू देखोगे 86 की। इस साइड पर 86, अब 86 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इधर से जीरो में देखोगे, 86 के जीरो में देखोगे लॉग बुक के अंदर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 9345। ये आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, 86 के जीरो में। तो जो भी वैल्यू आप टेबल से देखो उसको आप यहां पर जीरो पॉइंट में लिखोगे, 0.9345। इसके बाद प्लस, अब इसकी पे आ जाए, इसका पॉइंट होना चाहिए था पहले नंबर के बाद तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा, लेकिन जीरो जो होता है वो काउंटिंग नंबर नहीं होता, तो काउंटिंग नंबर फोर है पहला नंबर, तो इसका पॉइंट होना चाहिए था फोर के बाद, तो अब एक डिजिट पीछे है, एक डिजिट पीछे की तरफ है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, माइनस वन होगा। अगर एक डिजिट आगे हो तो प्लस वन होता है और एक डिजिट पीछे हो तो माइनस वन होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, दो नंबर इधर से टेबल के अंदर 45 के आगे कोई नंबर नहीं है तो जीरो में, अगर आगे कोई नंबर हो तो फिर उसके कॉलम में हम देखते हैं, तो 45 के जीरो में आपको मिलेगा 65321, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो जो भी वैल्यू यहां से देखो उसको आप क्या करोगे, जीरो पॉइंट में लिखोगे। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 1.9345 हो जाएगा, कैलकुलेटर से प्लस कर देंगे। इन दोनों को करोगे माइनस, माइनस वन प्लस ये कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 0.3468। अब इसकी ब्रैकेट हम खोल देंगे, 9345 माइनस 0.3468, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से माइनस करोगे, 1.5877 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस साइड पर क्या आ रहा है, लॉग एक्स आ रहा है इस साइड पर। अब लॉगरिथम निकल आया, इसके बाद हम आखिर में क्या निकालते हैं, एंटी लॉग, मतलब लॉग जब इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग होता है, 1.5877। लॉग इधर आकर इनवर्स होगा तो लॉग इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग होता है। अब एंटी लॉग में क्या करते हैं, इसमें तो पहली दो वैल्यू लिखते हैं लेकिन एंटी लॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यू देखते हैं।
उसी लोगरिथम बुक के अंदर, जो लोग की बुक होगी उसी के अंदर आपको लोग का भी टेबल होगा और एंटी लोग का भी टेबल होगा। अब एंटी लोग वाले टेबल में आपने देखना है 0.58 के आगे क्या 7, और फिर आगे एक और कॉलम होगा 7 का, उसमें आप चेक करोगे। तो इसके 7 में आपको मिलेगा 3882 और 7 में आपको मिलेगा 6। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये 3888 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे 3888। अब इसका पॉइंट कहां पर लगाना है, हमने पॉइंट लगाने के लिए देखें, अगर पॉइंट से पहले जीरो हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगा देते हैं, अगर पॉइंट से पहले जीरो हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगा देते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले वन है तो एक डिजिट आगे चला जाएगा, अगर टू होता तो यहां लगता और थ्री होता तो एक डिजिट और आगे लगता। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है एक्स के बराबर 0.87 28.9 0.785, इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या करना है लॉग लगा देंगे, इस तरफ भी लॉग लगा देंगे और इस तरफ भी लॉग लगा देंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम वो अप्लाई करेंगे 28.9 ये होगा 0.785। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऊपर हो वो क्या आता है प्लस में, और जो डिवाइड में होता है वो क्या आता है माइनस में, लॉग सबके साथ। अब ऊपर एक वैल्यू है ये तो आ जाएगी पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों डिवाइड में है इसलिए ये दोनों क्या आ जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस का लॉगरिथम आप 0.785, ऊपर वाली प्लस की आ गई और नीचे दोनों के क्या आ गई माइनस की आ गई, जो भी नीचे वैल्यू होंगी वो माइनस की आ जाएगी, लॉगरिथम सबके साथ लग जाएगा। अब इसका हमने निकालना है सी प्लस एम, करैक्टरिस्टिक प्लस मल्टीप्लाई साथ, इसका भी सी प्लस एम और इसका भी सी प्लस एम। अब इसकी वैल्यू आपने देखनी है टेबल से, यहां से पहले आप करैक्टरिस्टिक देखोगे, इसका पॉइंट कहां होना चाहिए था पहले नंबर के बाद, अगर यहां पर पहले नंबर के बाद होता ये जीरो नंबर नहीं होता, एट पहला नंबर है, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता, वन से शुरू होता है, तो यहां पर एट के बाद अगर पॉइंट होता तो इसका करैक्टरिस्टिक वन होता, जीरो होता। तो अब क्योंकि एक डिजिट पीछे है तो इसलिए माइनस वन होगा, अगर एट के बाद होता तो जीरो होता लेकिन एक डिजिट पीछे है तो माइनस वन होता। अब 87 के आगे कोई नंबर नहीं है तो अब 87 के जीरो में टेबल में देखोगे, लॉगरिथम के टेबल में देखोगे 87 के जीरो में तो ये आपको मिलेगा 9395। इसको आप लिख दोगे जीरो पॉइंट में 0.93 और 95, इसको आपने क्या किया जीरो पॉइंट में लिख दिया, फिर आगे माइनस। इसके बाद अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका पॉइंट कहाँ होना चाहिए था पहले नंबर के बाद, एक डिजिट आ गया है तो इसका पॉजिटिव वन होगा, इसमें एक डिजिट पीछे था तो माइनस वन था। अब इसको आप देखोगे 28 के 9 में देखोगे, इसको कहाँ देखना है 28 के 9 में देखना है, तो 28 के 9 में आपको मिलेगा 4609। जो वैल्यू आप वहां से लोगे इसको जीरो पॉइंट में लिखोगे, फिर आगे माइनस। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका पॉइंट यहां होना चाहिए था, एक डिजिट पीछे है तो इसका माइनस वन होगा करेक्टरिस्टिक, और इसको कहां देखोगे 78 के 5 में देखोगे तो आपको मिलेगा 8949। अब इसको यहां पर जीरो पॉइंट में लिखेंगे 8949। इसके बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस वन प्लस 0.935 तो ये बन जाएगा 0.0605, ये आपने कैलकुलेटर से करना है। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.4609 आ जाएगा, इन दोनों को भी माइनस करोगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस होगा,
तो ये माइनस का 0.1051 आ जाएगा। अब इनकी ब्रैकेट हम खोल देंगे, 605 माइनस का 1.4609, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.1051 आ जाएगा। इसके बाद अब इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये माइनस का लिखोगे, ये भी माइनस का और ये प्लस का। अगर छोटे कैलकुलेटर से कर रहे हो तो क्या करना है, इस पर पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फिर इसको माइनस करना है और फिर इसको माइनस करना है, तो ये आंसर आएगा 1.4163। तो ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब इसका क्या निकालना है, एंटी लॉग, लॉग इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये माइनस की है, लेकिन बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा है, एक सिक्स है और ये दो क्वेश्चन ऐसे जिनमें ये लॉगरिथम माइनस में आता है, और लेकिन लॉगरिथम एंटी लॉग जो होता है वो माइनस का नहीं निकलता। तब इसका हमने क्या करना होता है, इसमें एक स्टेप हम करेंगे, देखो वन है तो वन से बड़ा क्या होता है, टू, तो इसको माइनस टू और प्लस टू कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में नहीं करना, सिर्फ उसमें जिसमें ये माइनस का लॉगरिथम आ रहा है तो उसका जो एंटी लॉग निकालना होता है तो फिर हमने ये करना होता है। अगर यहाँ पर माइनस का टू होता तो मैं इधर माइनस थ्री प्लस थ्री लिखता, मतलब एक बड़ा लिखना है। अब दो में से ये हम माइनस कर देंगे और इस का माइनस खत्म करके ऊपर बार लगा देंगे, इस दो में से ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इन दोनों में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5837। अब इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ, तो 2 बार 0.5837 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग कहां से देखते हैं, पॉइंट के बाद से देखते हैं, मतलब के 50.58 के आप 3 में देखोगे और 7 में देखोगे, किसमें, पॉइंट, पॉइंट के बाद से देखते हैं एंटी लॉग, 0.58 के 3 में देखोगे और 7 में देखोगे, तो 0.58 के 3 में आपको मिलेगा 3828 और 7 में मिलेगा 6। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3834 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 3834। अब लगाना है पॉइंट आकर में। अब देखिए अगर पॉइंट से पहले जीरो हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगा देते हैं, लेकिन ये माइनस का टू है, टू बार मतलब माइनस का टू, तो दो डिजिट पीछे कर देंगे, एक ये डिजिट, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगाकर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले वैसे जीरो लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको आपने एक्स के बराबर लेट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे और इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे। इसके बाद जो पावर में ये रूट में वैल्यू है तो रूट को हटा कर हम क्या लगा देते हैं, 1/2 लगा देते हैं, यहाँ पर रूट को हटा कर हम 1/2, लेकिन ये क्यूब रूट है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। अगर रूट को हटाओ तो 1/2 लिखते हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट हो या कोई और वैल्यू यहाँ पर हो तो उसको लिखेंगे 1/4 में। इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऊपर है वो प्लस में आ जाएंगे और जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएगा, और लॉगरिथम सबके साथ आ जाएगा, ऊपर वाले प्लस में आ गए प्लस और ये वाला माइनस में आ गया। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग के आगे वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, 1/2 लॉग 431.5, फिर आगे प्लस 2 लॉग 1.2, फिर आगे 1/3 लॉग 36.98। तो पावर हो तो पावर लॉग से क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। इसके बाद हमने इसका वही सी प्लस एम, मतलब करेक्टरिस्टिक प्लस में सा फाइंड करेंगे, सी प्लस एम इसका भी 1/3 और सी प्लस एम इसका भी, यहां से आगे लॉग खत्म हो जाएगा, आगे लॉग नहीं लिखना आपने, लॉग की बस वैल्यू लिखनी है।
अब इसकी आप वैल्यू देखोगे 43 के 1 में देखोगे, 43 इस साइड पर लिखोगे 43 के 1 में और फिर 5 में देखोगे, 43 के 1 में और 5। पहले करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इसका पॉइंट पहले नंबर के बाद होना चाहिए तब करेक्टरिस्टिक 0 होगा। तो दो डिजिट आ गया तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया। पहले नंबर के बाद होता तो 0, यहाँ पर होता तो 1, इधर है तो 2 होगा। इसके बाद 43 के 1 में देखोगे और आप किस में देखोगे, 5 में देखोगे, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 6345। और फिर आगे 5 में देखोगे तो 5 मिलेंगे। अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे 6350, तो इसको 0 पॉइंट में लिखोगे, 0.6350 लिख दो 0 पॉइंट में। फिर आगे प्लस 2, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका पॉइंट पहले नंबर के बाद है तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। फिर आप 12 के 0 में देखोगे तो 0792 मिलेगा आपको, 0792। अब इसको क्या कर 0 पॉइंट में लिखोगे, 0.0792। फिर -1/3, अब इसका पॉइंट पहले नंबर के बाद होता तो 0 करेक्टरिस्टिक होता है, एक डिजिट आ गया है तो यहां पर क्या आगा, 1 करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसके बाद 36 के 9 में देखोगे और 8 में देखोगे, 36 में 9 में मिलेगा 5670 और 8 में 10, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 5680 हो जाएगा। अब इसको क्या कर 0 पॉइंट में लिखेंगे, 5680। इसके बाद इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 2.6350, इसको भी प्लस करेंगे 0.0792, इसको ऐड कर देंगे 1.680। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये 2 डिवाइड 1 अपॉन में लिखा हुआ है इसलिए इसका मतलब है डिवाइड में लिखा हुआ है, तो पहले वैल्यू कैलकुलेटर में इसकी लिखेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.2175, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लायर है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये 1/3 है तो 3 डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेटर में पहले लिखोगे ऊपर वाली वैल्यू को और फिर डिवाइड फिर 3 लिखोगे कैलकुलेटर में, पहले 3 नहीं लिखना वरना आंसर गलत आएगा, 0.5266 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है और इसको कैलकुलेटर से माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.93953, ये आ गया लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद आपने एंटी लॉग निकालना है, लॉगरिथम इधर आकर के आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा तो एंटी लॉग बन गया, इक्वल के साइड का। इसके बाद आप एंटी लॉग किस तरह देखते हैं, पॉइंट के बाद से देखते हैं, 0.95 के 3 में और फिर 3 में, इसमें आपको वैल्यू मिलेगी 8974 और 3 में क्या मिलेगा 6, दोबारा दूसरा मेन डिफरेंस वाले 3 में 6 मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 8980। अब पॉइंट से पहले 0 है तो आप पॉइंट कहां लगा दोगे, पहले डिजिट के बाद लगा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी वैल्यू हो तो क्या करना है, पहले एक्स के बराबर ऐड करना है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे और इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे, 7.8.0 की पावर 1/2, 3.000, इसका रूट खत्म करेंगे तो 1/2 लगा देंगे, डिवाइड बाय 4.000। इसके बाद हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो ऊपर है वो प्लस में आ जाएंगे और जो नीचे है वो माइनस में आ जाएगा, लॉग 4.000, ये किस में आ गया, माइनस में आ गया, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो प्लस में, जो नीचे होगी वो माइनस में, और अगर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है,
लोगरिथम ऑफ 7.8.0, फिर आगे प्लस 1/2, इसका भी 1/2 पहले आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ 3.000। अब 3.00 का मतलब ये 3 ही है, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब 4.000 है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 ही है। अब इसका हमने क्या निकालना है, इसका भी सी प्लस एम कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन की साथ सी प्लस एम, और ये भी क्या सी प्लस एम है 1/2। इसका पॉइंट पहले नंबर के बाद होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 0 होता, यहां पर पहले नंबर से 1, 2, 2 डिजिट आ गया, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया, 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टेबल में 78 के हम क्या करोगे, 0 में लिखेंगे, जब 78 के 0 में देखेंगे तो 8921 मिलेगा, और फिर हम 6 में देखेंगे तो कितना मिलेगा, 3। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8924 आ जाएगा। इन दोनों को जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी इसको आप 0 पॉइंट में लिखोगे 8924, फिर आगे प्लस 1/2, इसके बाद आगे। अब पॉइंट पहले नंबर के बाद हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0। अब आप क्या करोगे, 30 के 0 में देखोगे, क्योंकि 3 तो होता नहीं है लोगरिथम के टेबल में, तो आप क्या करोगे 30 के 0 में देखोगे, 30 के 0 में है ये, तो इसको आप 0 पॉइंट में लिखोगे, जो भी वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट में। इसी तरह इसका भी पॉइंट पहले नंबर के बाद है, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, तो इसको भी 40 के 0 में देखोगे, तो ये आंसर आएगा 0.6021, ये मिला, लेकिन आपने 0 पॉइंट में लिखना है। 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2.8924 प्लस 1/2 0.4771, फिर आगे प्लस 0.-0.6021, जब 0 से ये 0 के साथ प्लस होगा तो ये आंसर आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को पहले लिखना है, 2 को कैलकुलेटर में बाद में लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये एलजेड आ जाएगी, ब्रैकेट खुल जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करोगे और इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0826, ये आपके पास आ गया लोगरिथम ऑफ एक्स। इसके बाद लॉग इधर आकर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, 1.0826 आ जाएगा, आ गया एंटी लॉग। अब एंटी लॉग में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद से 08 के 0.08 के 2 में और 6 में देखोगे एंटी लॉग के कॉलम में, तो आपको मिलेगा 1208 और 2, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 1210 आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 1210। अब अगर पॉइंट से पहले 0 हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगा देते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले 1 है तो एक डिजिट आगे यहां पर पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमने क्या करना है, x के बराबर लेट करना है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पर भी हम लॉग लगा देंगे और इस साइड पर भी हम लॉग लगा देंगे, 37.37 डिवाइड बाय 591। अब जो ऊपर वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी, लोगरिथम ऑफ 86.2 लोगरिथम ऑफ 37.37 फिर माइनस लोगरिथम ऑफ 591। जो ऊपर वैल्यू है वो प्लस में और जो नीचे है डिवाइड में वो माइनस में आ जाएगी, जो पावर है पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 86.2 लोगरिथम ऑफ 3737 माइनस का लोगरिथम ऑफ 591। तो हमने क्या करना है, जो पावर होगी पावर लॉग से पहले आ जाती है। इसके बाद हम इसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मिनटी सा सी प्लस एम, इसका भी सी प्लस एम और इसका भी सी प्लस एम निकाल लेंगे। अब इसका पॉइंट होना चाहिए था पहले नंबर के बाद तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होता, इसका पहले नंबर से भी एक डिजिट आगे है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो जाएगा। फिर आपको 86 के 2 में देखोगे टेबल के अंदर तो आपको मिलेगा 9355, तो इसको 0 पॉइंट में लिखोगे 9355, फिर आगे प्लस। अब इसका आपने क्या करना है,
कि इसका पॉइंट पहले नंबर के बाद होता तो करेक्टरिस्टिक जीरो होता, एक डिजिट आ गया है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वन हो जाएगा। फिर 37 के 3 में देखोगे और फिर 7 में देखोगे तो आपके पास ये दो वैल्यू मिलेंगी, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 5725, ये दोनों प्लस होकर दिया जाएगा, जिसको 0.5725 लिख दो। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहां पर इसका पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, आखिर में, पॉइंट ना हो तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो अब हमने क्या करना है, दो डिजिट पॉइंट पीछे, यहाँ पहले नंबर के बाद होता तो जीरो, इससे एक दो दो डिजिट आ गया है तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 59 की आप क्या देखोगे, 1 में देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7716, तो इसको 0 पॉइंट में लिखोगे, 0.7716, 0 पॉइंट में ही लिखना है। अब ये आ जाएगा 2, इसको हम ऐड कर देंगे 1.9355, फिर आगे प्लस 1.5725, फिर माइनस 2.7716 आ जाएगा। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आएगा 3.8710, और ये 1.5725 माइनस 2 पॉइंट, इनकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको हम माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आएगा 2.6719, ये लॉगरिथम ऑफ एक्स आ गया। इसके बाद आखिरी स्टेप क्या है, एंटी लॉगरिथम का, तो हम एंटी लॉग निकालेंगे इसका, लॉग के साइड पर आकर इनवर्स होके एंटी लॉग हो गया। अब एंटी लॉग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद से 0.67 के 1 में देखेंगे और 9 में देखेंगे, तो 0.67 के 1 में आपको मिलेगा 4688 और 9 में 10 मिलेगा, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 4638 आ जाएगा, 4698, तो आप 4698 आ गया। अब पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगाएंगे, इसके पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट पहले नंबर के बाद लगाएंगे, लेकिन यहां पर 2 है तो एक होता तो यहां 2 है तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम। अब 2 की पावर 12 है, इसमें बताना है कि अगर 2 की पावर 12 हम निकालें तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट आते हैं। वैसे तो हम कैलकुलेटर से भी सोल्व करके हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन हमने किससे करना है, लॉगरिथम की मदद से करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लॉग एक्स के बराबर लेट कर लेंगे, ये एक्स के बराबर इसको पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद हमने दोनों तरफ क्या लगा देना है, लॉग लगा देना है, इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे और इस साइड पर भी लॉग लगा देंगे। अब लॉग की आखिरी प्रॉपर्टी क्या थी, जो पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, लॉग 2 आ गए। अब इसको हम लॉगरिथम इसका फाइंड करेंगे सी प्लस एम। अब देखो इधर एक ही डिजिट है तो इसका पॉइंट आखिर में है, तो अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद हो तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, 1 होता है। अब इसको कहां देखोगे, 20 के 0 में देखोगे, क्योंकि 2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 20 के 0 में देखोगे, लॉगरिथम में 2 नहीं होता, 20 के 0 में आपको मिलेगा 3010। तो इसको आप क्या करोगे, 0 पॉइंट में लिखोगे, इसको आप 0 पॉइंट में लिखेंगे, 0.3010, ठीक है। यहां पे करेक्टरिस्टिक इसका क्या, अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद हो तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है, यहां पर करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको 0 से प्लस कर देंगे, 0.3010 हो जाएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3.6120 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया लॉगरिथम। अब पता कैसे चलेगा नंबर ऑफ डिजिट का, तो नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 12, ये कैसे पता चलेगा, ये यहां पर होल नंबर क्या है, 3 पॉइंट में वैल्यू है, तो आप ये होल नंबर लोगे 3 और इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे, होल नंबर जो भी आएगा वो, और उसके अंदर 1 ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर
चार डिजिट्स होंगे। तो अगर 2 की पावर 12 को हम कैलकुलेटर से सोल्व करें तो वैल्यू 4 डिजिट पर आएगी। तो